मित्रों 2020-21 का बजट आज पास हुआ और जैसा आपको पहले से जानकारी है कि इस बार की बजट की प्रिपरेशन में हम लोगों ने बजट पूर्व कई बैठकों का आयोजन किया, जिसमें स्टेक होल्डर के साथ बैठकें और जनप्रतिनिधियों के भी, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज, सांसद, विधायक, उन लोगों से भी मीटिंग्स हुई। और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश के हित में सब लोगों ने अपने सकारात्मक सुझाव जो दिए वो हमने उसमें शामिल किए और इस बात को निर्मूल सिद्ध किया कि बजट तो पहले बन गया है, अब 3 दिन समय ऐसे लगा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अंतोगत्वा 52 विधायक, इनके लगभग 300 के आसपास सुझाव ऐसे जो बजट से जुड़े हुए थे, उन सबको उसमें सम्मिलित किया गया और एक खुली चर्चा 3 दिन विधानसभा में भी हुई है। सब खुली चर्चा के बाद आज वो बजट जो है पारित कर दिया गया है। सबसे अपेक्षा की गई है कि अब वर्ष भर इस बजट के हिसाब से आगे प्रदेश के इतना काम, अब वो चूँकि जो डाटा है वो सब अध्ययन करते हुए ध्यान में आया कि एक ही वर्ष में 10-11 से और 11-12 में जैसे ही, या 11-12 से 12-13 है वो ध्यान नहीं है, लेकिन 13,000 करोड़ रुपया एकदम बढ़ गया है, जबकि हर वर्ष 2,000-2,500 करोड़ रुपया तो बढ़ता ही रहा है उन वर्षों में, लेकिन 13,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, उसके अंदर उसकी एक जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या कारण रहा है कि एक ही वर्ष में, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा निर्णय भी नहीं हुआ जिसके कारण से कि बिजली की इतना ज़्यादा खर्च हुआ हो, इतना ज़्यादा लॉस हुआ हो, उसकी जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद डिपार्टमेंटल जानकारी पहले ली जाएगी, उसके बाद फिर बताएंगे। देखिए, जब चीज़ें उठाई जाती हैं और उसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होते, कोई मटेरियल नहीं होता, तो विरोध के लिए विरोध करना और बिना सिर पैर के कोई आलोचना करना या आरोप लगाना उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस होता है तो उसमें ज़रूर जानकारी ली भी जाती है, जाँच भी कराई जाती है। और मान लो सरकार ने जांच नहीं कराई है तो विपक्ष के पास बहुत से तरीके हैं उनकी आगे शिकायत के आधार पर अपनी बात को रखने का, बात को कहीं ले जाने की, इंक्वायरी कराने की, केस करने की, कोर्ट के भी रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। हमने उनको सब ओपन किया, चैलेंज आज दे दिया कि आपको कोई भी बात गलत लगती है आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। सीएम साहब, 2 बिल जो आज पेश हुए हैं उसके अंदर ये कहना है कि 36 बिरादरियों को बांटने का प्रयास सरकार ने किया है, आप थोड़ी स्थिति स्पष्ट करें। ये जो सब कैटेगराइज किया है सर, ऐसी भी देखिए, कहीं भी समाज के अंदर अगर किसी वर्ग को लगता है कि कोई कठिनाई है, पीड़ा है, या वो पिछड़ गया है, तो ये सरकार का दायित्व है, प्रदेश स्टेट का दायित्व है कि उनकी उस विषय को समझते हुए उनमें कोई ना कोई बेनिफिट देने की बात या किसी प्रकार का कोई प्रावधान ऐसा करने की बात कि उनकी वो समस्या दूर हो, उन कठिनाई को दूर करने के लिए। तो ऐसा ध्यान में आया कि जितनी भी जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट को एक जाति नहीं है, नंबर ऑफ कास्ट आर देयर, तो नंबर ऑफ कास्ट में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि हम अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए, हम बराबर रिजर्वेशन होने के बाद भी उस प्रकार से, उस गति से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सब जातियों को डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कह करके हमने उनको 10% जो डिप्राइव्ड है और 10% बाकी शेष जो बचे हैं, ऐसा उसमें केवल शिक्षा में, एजुकेशन में ये प्रावधान किया है। और उसमें भी जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को 10% दिया है, यदि वहाँ बच्चों की संख्या नहीं पर्याप्त होती है तो उस सारे को बदल करके बाकी जो जातियां बच गई उसी के अंदर कर दिया जाएगा। फिर 20% में से कुछ सीटें बचती हैं, एडमिशन के लिए नई विद्यार्थी आते हैं तो जाके जनरल में वो शामिल होते हैं, इस प्रकार का पहले से प्रावधान है। इसीलिए किसी को बहुत कठिनाई नहीं है। कुछ जातियाँ जिनको बहुत पिछड़ गए थे उनको आगे लाने के लिए हमारा दायित्व, अंत्योदय की हमारी भावना है कि आखिर जो कमजोर रह गए उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो आज आपने बात कही कि सब क्या परिस्थिति है, एक बड़ा आयोजन हरियाणा सरकार के उसे पिंकाथॉन के माध्यम से करना है, क्या वो स्टिल ऑन रहेगा इसी परिस्थिति में? अभी हमने निर्णय किया है कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पिंकाथॉन में महिलाएँ, हमारी लड़कियाँ, छात्र छात्राएँ ये सब आने वाले थे, तो पहली निर्णय के हिसाब से हमने जो पिंकाथन का प्रातःकाल का कार्यक्रम है उसको स्थगित किया है, बाकी का विचार बाद में। सिंह साहब, आपने कहा कि बहुत एक शेर आपने ये कहा कि सभी को खुश रखना बहुत मुश्किल है और जब चिराग जलते हैं तो अंधेरे रूठ जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब अंधेरा कहाँ पे? विपक्ष अंधेरा ही, और क्या है सर, ये विपक्ष अंधेरा है, वो रूठना ही होता है उनको, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही उनको कहो कि भी खुश रहो, सब सबके भलाई के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब रोशनी होगी, उजाला होगा
तो अंधेरा को रूठना ही है, ये नियम। सर, एक्साइज पॉलिसी के ऊपर लगातार जो है विपक्ष सवाल उठा रहा था, खासकर कांग्रेस के कुछ विधायक। आज बीबी बत्रा जो है वो सदन में कह रहे थे कि देखिए इसको लचीला थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है इस कानून के अंदर दे दीजिए, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया है, किस तरीके से? देखिए, कुछ प्रावधान ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें से ये नशाखोरी की जो बढ़ती भर्ती आते हैं वो पहले शराब से नशा होता है, बाद में फिर और चीज़ों से, मादक चीज़ों से नशे होने की तरफ हमारा युवक बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कठोरता लाना, और वो भी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। अब सार्वजनिक स्थानों के ऊपर कोई मादक द्रव्य कोई पी करके और उसके साथ कोई उपद्रव करता है तो उसके लिए सज़ा थोड़ी होनी ही चाहिए। अगर वो सज़ा नहीं होगी तो निर्भय होकर के और किसी भी प्रकार से वो घूमते रहेंगे, तो इस वातावरण को ठीक करने के लिए थोड़ा एक चेक जरूरी है, इसलिए प्रावधान किया गया उनको सजा का। हायर एजुकेशन के लिए अनाउंसमेंट किया सर, जो अंतिम दौर रहा काफी अनाउंसमेंट रहा, हायर एजुकेशन के जो लोन है उसके लिए सरकार गारंटी दे रही है। बहुत ऐसे युवक हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाई में कहीं सहायता नहीं मिलती, लोन लेने की इच्छा होती है तो बैंक जो है कोलेटरल मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं। हमने उनकी सुविधा के लिए तय किया है कि अब हायर एजुकेशन के लिए जिस किसी को भी लोन चाहिए तो बैंकों को जो गारंटी है वो सरकार गारंटी देगी, ताकि अगर लोन उससे चुकता नहीं हो पाएगा तो सरकार उसकी बैंक को गारंटी देगी, ताकि बैंक आसानी से उनको लोन दे सकें। मित्रों, आज चूँकि बजट पारित हुआ है तो इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते नाते साथ ही मैं वित्त मंत्री भी हूँ, तो आज का मेरा दायित्व तो बनता है कि आप सब भोजन के लिए रात्रि को मेरे घर पर आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।